हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका जो पेपर होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, तो उसका हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा और आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ में हम उनके आंसर्स को भी देखेंगे। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका पेपर होने वाला है ये आपका दो बार होने वाला है। पहला जो आपका पेपर होगा वो 30 नंबर का होगा और 1 घंटे की ड्यूरेशन का होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी है और बाकी के जो 3 क्वेश्चन है उसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। जो क्वेश्चन 2 है 3 और 4 है, तो इनमें से कोई आपको 2 करने हैं और पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। तो टोटल आपको 3 क्वेश्चन करने हैं 10-10 नंबर के 1 घंटे में। तो जब ये आपका 1 घंटे का पेपर हो जाएगा तो आपको एक पेपर दोबारा मिलेगा और वो पेपर 40 नंबर का आपका होने वाला है। इसकी भी जो ड्यूरेशन है वो है 1 घंटे की और इसमें आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 6 क्वेश्चन में से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं और 4 ही क्वेश्चन 10-10 नंबर के आपके होने वाले हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया, आपका टोटल पेपर होने वाला है 70 नंबर का। पहले होगा 30 नंबर वाले का, फिर आपका अगले घंटे का होगा 40 नंबर का। तो ऐसे करके आपके 2 पेपर आपके होने वाले हैं। तो देखिए, जो आपको पहला पेपर मिलेगा, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट नोट लिखने को आएंगे। तो आपको देखिए कोई 2 शॉर्ट नोट लिखने हैं। टोटल कितने आपको दिए जाएंगे? 3। 3 में से आपको कोई 2 शॉर्ट नोट लिखने हैं। तो देखिए पहला किस पर है? इक्वालिटी बिफोर लॉ पर, कानून के समक्ष समानता। तो देखिए आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर द लॉ के बारे में बताया गया है। तो इस आर्टिकल में बताया गया कि कानून की नजरों में हर व्यक्ति समान है, यानी इक्वल है। तो देखिए इस आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि जो लॉ है ना, जो कानून है, वो सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगा और जो देश का कानून है वो समान रूप से सबकी रक्षा करेगा और समान परिस्थितियों में जो कानून है वो सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा। तो ये इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए मैं इसको ट्रांसलेट करके लगा दूंगा, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैं आपको हर क्वेश्चन बस थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा, एक आपको आइडिया दे दूंगा। बाकी जो मैं फोटो लगा रहा हूँ इसको आप पढ़ सकते हैं और जो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी क्या पीडीएफ दे दूंगा इसकी, तो आप वहां से भी जाके इसको पढ़ सकते हैं। अब अगला पूछ रहा है आर्टिकल 51 ए से लेके के तक। तो हमें बताने की जो आर्टिकल 51 है, तो ए से लेके के तक काफी सारे इसमें पॉइंट दिए गए, तो वो क्या क्या है? तो देखिए ये इंग्लिश वालों के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं और यह है हिंदी वालों के लिए। तो देखिए ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, करके ए से लेके के तक दिए गए हैं। तो इसमें बताया गया है जो भारत के जो प्रत्येक व्यक्ति है ना, उसके क्या क्या कर्तव्य है। इसमें मतलब मानव के कर्तव्यों को बताया गया है कि ए से लेके के तक जो मानव को करना चाहिए कर्तव्य क्या क्या है उसको बताया गया है। जैसे कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों को और संस्थाओं को, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो ऐसे करके कई मानव कर्तव्य हैं, इनको बताया गया है। और अगला है आपको यूनिटी और इंटीग्रिटी के बारे में बताना, यानी एकता और अखंडता क्या है। तो ये इंग्लिश वालों के लिए आंसर और ये हिंदी वालों के लिए। तो देखिए जो अखंडता में एकता है ना, इसका मतलब है एकजुट रहना। मतलब जितने भी हमारे देश में देखिए इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी जातियां हैं, पंथ हैं, मतलब संस्कृति भी सबकी अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम सब क्या एक साथ रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं अखंडता में एकता। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रूल ऑफ लॉ। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में आएगा, और इसको देखिए जो दूसरा एग्जाम है ना उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है और बोल रहा है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है और आपको बताना है कानून का शासन क्या है। तो देखिए जो कानून का शासन है यानी रूल ऑफ लॉ है, एक टाइप का ऐसा प्रोविजन है यानी प्रावधान है। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी लोग हैं ना, मतलब जितने भी व्यक्ति हैं वो सब समान है, मतलब कानून की नजर में सब समान है। जिसके साथ भी न्याय किया जाएगा उसको क्या इक्वली ट्रीट किया जाएगा, और कोई भी जो राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, या फिर कुछ भी कोई भी उच्च अधिकारी हो गया, वो कानून की नजर में क्या है बराबर है। मतलब कानून से कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं है, मतलब जो कानून राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए है वही एक आम आदमी के लिए भी है। तो इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। तो मैं साथ साथ जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनके लिए आंसर लगाता रहता हूँ, ठीक है। तो इनके साथ साथ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आंसर सुनते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और देखिए आप ये पेपर में डायग्राम भी बना सकते हैं कानून के शासन के बारे में, 4 टाइप से बताया गया है। डायग्राम आप बना सकते हैं, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। देखिए इसमें बताया गया आर्थिक पुनः प्राप्ति और बचाव और सुरक्षा, राजनीतिक वसूली और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच। तो कानून के शासन में आप ये सब चीजें आपको मिलती हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी जो धर्म निरपेक्षता है उस पर आपको अपनी कुछ डिस्कशन करनी है, आपकी क्या क्या राय है वो सब आपको देनी है। तो ये रहा आंसर। तो देखिए आप पहले बताएंगे कि जो ये धर्म निरपेक्ष वर्ड यानी जो सेक्युलरिज्म है ये आया कहाँ से। तो देखिए पहले किसका शासन था, ब्रिटेन का शासन था ना भारत पर। तो उस टाइम पे क्या करा, पाकिस्तान अलग बन गया था, इंडिया अलग हो गया था। जो पाकिस्तान है वो क्या धर्म पे बन गया था, इस्लामिक कंट्री बन गया था, लेकिन जो इंडिया है वो सेक्युलर कंट्री बन गया था, क्योंकि यहाँ पे क्या थे बहुत सारे धर्म के लोग थे। तो इंडिया को सेक्युलर एक वर्ड दिया गया और सेक्युलर कंट्री बना दिया गया।
अब देखिए सेक्युलरिज्म किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 28, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद के अंदर ये अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखिए स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान बनाया गया था तो उसमें ये सेक्युलर वर्ड नहीं था, ठीक है, तो ये बाद में लाया गया 42 संशोधन के बाद, मतलब 42 अमेंडमेंट किया गया था, तो जब जाके ये जो सेक्युलर वर्ड है इसको संविधान में लाया गया था। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यानी जो हमारा संविधान है वो सुप्रीम लॉ की तरह कैसे परफॉर्म करता है यानी कैसे फंक्शन करता है। तो देखिए बताया गया कि जो संविधान है ये देश का एक सर्वोच्च कानून है ना, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का एक सुप्रीम लॉ है। ये क्या करता है, जितने भी लोग हैं हमारे देश में, जितने भी लोग हैं और सरकार है उसके बीच में एक संबंध को बनाए रखता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही है तो ही बीच में सरकार और लोगों के बीच में संबंध है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो मतभेद हो सकते हैं। और देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता चलता है कि जो भी सरकार है, कौन सा जो सरकार है, कौन सा क्या कार्य करेगी, जितनी भी डिपार्टमेंट है, पूरा स्ट्रक्चर जो हमारी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो सब कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। लोगों के क्या अधिकार है, लोगों को कितनी स्वतंत्रता है और लोगों के पास कितनी पावर है, किसी जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है उसके पास कितनी पावर है, उसके पास क्या क्या अथॉरिटी है, तो ये सब चीजें कौन बताता है, सब कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सुप्रीम लॉ है हमारे इंडिया का। तो यहीं पर हमारा जो पहला पेपर है वो खत्म होता है। तो इसमें से देखिए मैंने तीनों क्वेश्चन बता दिए, इन तीनों में से आपको कोई दो करने थे और पहला वाला तो कंपलसरी था, ठीक है, शॉर्ट नोट वाला। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पेपर पर। तो देखिए इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 करने हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है ये है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया एक्सप्लेन। तो यानी हमें बताना है कि जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्या है और हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो किस टाइप की गवर्नमेंट है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो देखिए इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए भारत एक संसदीय सरकार के साथ साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ये तो हो गया हमारा नेचर। और जहां तक है फॉर्म की बात तो हमारा फॉर्म क्या डेमोक्रेटिक है, क्योंकि देखिए कई कई टाइप की गवर्नमेंट होती है, मोनार्की मतलब जहाँ पे राजशाही होती है ना, और कहीं पर होती है डेमोक्रेटिक जैसे अमेरिका में है और इंडिया में है। तो हमारी फॉर्म क्या है गवर्नमेंट की, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको जैसे पहले बताया था, देखिए जो रूल ऑफ लॉ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो देखिए वही आया, आपको रूल ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करना है और आपको कुछ एग्जांपल देने हैं वॉयलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, इसके आपके मतलब कोई भी उल्लंघन किया उसका एक एग्जांपल आपको देना है। तो इसका आंसर मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, एक बार और देख लीजिए। और देखिए इसका वॉयलेशन के एग्जाम्पल क्या क्या है। तो देखिए जैसे कि हम बाइक पर हम दो पहिए के जो वाहन है उसको चलाते हैं तो हेलमेट लगाना जरूरी होता है ना, तो लेकिन कई लोग क्या हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो इससे हम देख सकते हैं ये क्या वॉयलेशन है रूल ऑफ लॉ का। और एक और एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी भी ऑफिसर को कोई भी रिश्वत देते हैं तो ये भी क्या है वायलेशन है रूल ऑफ लॉ का। तो ऐसे करके आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया सेक्युलरिज्म इज नाइदर एंटी गॉड नॉर प्रो गॉड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो देखिए इस स्टेटमेंट का क्या कहना है कि जो सेक्युलरिज्म है ना तो ये ईश्वर के विरोधी है ना ये ईश्वर के समर्थक है। तो मतलब ये सेक्युलर वर्ड का मतलब क्या है इसको बताना है और ये मतलब कहना क्या चाहता है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए बोल रहा है कि ये जो सेक्युलर वर्ड है यानी जो धर्म निरपेक्ष है इसका मतलब है कि जो भगवान को मानता है और जो भगवान को नहीं मानता है उन दोनों ही के साथ क्या हमें समान व्यवहार करना चाहिए। जो सरकार है ना वो मतलब कानून की नजर में क्या कोई भी जो धर्म को मानता है जो धर्म को नहीं मानता दोनों ही क्या बराबर है कानून की नजर में, इसी को बोलते हैं सेक्युलर। मतलब अगर जब भी कोई भी न्याय किया जाएगा तो वो धर्म के आधार पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो सरकार है कोई भी राज्य है उसका खुद का कोई धर्म नहीं होता है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना जो मौलिक कर्तव्य है वो नॉन जस्टिकेबल क्यों है। तो देखिए जो नॉन जस्टिकेबल है इसका मतलब होता है गैर न्यायिक। अगर इसको मैं समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि मतलब कोई भी व्यक्ति है उसकी कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज है अगर वो उसको नहीं निभाता है, मान लीजिए जैसे कि जैसे जनगणमन है उसमें खड़ा होना होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जनगणमन बज रहा है उसमें खड़ा नहीं होता है तो ऐसे में उसको वो कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता कि जज साहब इसको फांसी दे दीजिए, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो इसी को हम बोलते हैं नॉन जस्टिकेबल, मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इनको नहीं मानता है नहीं पूरी करता है तो उसके लिए हम उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो हमारी प्रियम्बल है उसमें जो सोशलिस्ट वर्ड है उसका मतलब क्या है। सोशलिस्ट वर्ड का मतलब होता है समाजवादी, तो इसका तात्पर्य क्या है आपको बताना है। और हमें ये भी बताना है कि जो प्रियम्बल है क्या उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो देखिए किया जा सकता है, मैंने आपको पिछले भी बताया था ना, पहले क्या बताया था कि मैंने कि जो पहले क्या था प्रियम्बल जो थी हमारी उसमें सेक्युलर वर्ड नहीं था, लेकिन बाद में क्या अमेंडमेंट किया गया था 42 अमेंडमेंट, फिर क्या जो सेक्युलर वर्ड है उसको लाया गया था, तो हम क्या अमेंडमेंट करके हम वर्ड को जोड़ सकते हैं। तो अब देखिए जो वर्ड है सोशलिस्ट इसको कब लाया गया था 1976 में 42 अमेंडमेंट किया गया था, उसमें क्या सेक्युलर भी और ये सोशलिस्ट वर्ड ये दोनों को ऐड किया गया था।
तो देखिए ये जो वर्ड है ना सोशलिस्ट यानी समाजवाद, तो इसको क्या लोकतांत्रिक समाजवाद के संदर्भ में लाया गया था। यानी इसका मतलब होता है लोकतांत्रिक विकासवादी और अहिंसक तरीकों से समाजवादी लक्ष्यों की उपलब्धि। यानी ये जो वर्ड है ना, ये जो लोकतांत्रिक है, विकासवादी है और अहिंसक तरीकों से क्या करना है, हमें समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो इसलिए इस वर्ड को प्रियम्बल में जोड़ा गया। तो ये तो बस मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको पेपर तक ये सारे आंसर आपके याद रहे, लेकिन आपको डीपली पढ़ना है क्योंकि तो आपको 10 नंबर का आंसर लिखना है, ठीक है? तो आप इसको गूगल से पढ़ सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दिया, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए जो पीडीएफ है ना वो इंग्लिश में है, आप उसको क्या है गूगल ट्रांसलेट से आप इसको हिंदी में कर सकते हैं, ठीक है? तो हिंदी में ही पढ़ सकते हैं क्योंकि ये पीडीएफ हिंदी में नहीं, आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। और अगर आप गूगल भी करेंगे तो भी आपको मोस्टली जो आंसर है वो इंग्लिश में मिलेंगे, तो बेहतर यही होगा आप गूगल ट्रांसलेट से इनको हिंदी में कन्वर्ट करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए लास्ट है हमारा क्वेश्चन, हमें बताना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, है ना? तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या, तो फीचर्स ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा ही जाएगा, आपको पता होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। इसको मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया था, ये क्या करता है, हमारी हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, उस गवर्नमेंट के पार्ट के पास कितनी पावर होगी, है ना, लोगों के क्या क्या राइट्स होंगे, लोगों के पास क्या क्या अधिकार है ना, तो ये सब कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, तो इसके कितने सारे फीचर्स होते हैं। तो देखिए बोला है जो हमारा संविधान है ये सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है और इसमें एक संघ की सभी समस्याएं विशेषताएं शामिल हैं। जैसे दो सरकारें, जैसे कि जो गवर्नमेंट होती है ना, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उनका क्या क्या काम है ना, उनकी शक्तियां कितनी है, शक्तियों का विभाजन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि किसके पास कितनी पावर होगी, है ना, तो ये सब कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए किसके पास कितनी पावर होगी, किसका क्या कार्य होगा, तो इसका जो लिखित है ना, जो लिखन में है, जो हम सबको लिख देते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। एक लिखित फॉर्म में ऐसी किताब में सारे रूल और रेगुलेशन लिखे गए हैं, उसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे फीचर होते हैं, इसको आप ना पॉइंट में करिएगा, क्योंकि पॉइंट में करेंगे तो अच्छे से समझ भी आएगा और टीचर आपको अच्छे नंबर भी दे देगा। कम से कम 10 से 12 पॉइंट तो आप इसके ऊपर लिखिएगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, ये जो मैंने भी आपको जितने भी क्वेश्चन बताए आप इनको अच्छे से करके जाइएगा तो आप आसानी से पास हो जाएंगे, ठीक है? एक तो ये जो रूल ऑफ लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन है और जो आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो इनको तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो आप पास हो जाएंगे। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और इसको शेयर करना ना भूलिएगा, आपके जो भी ग्रुप्स हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं जिनके पास ये वाला सब्जेक्ट है उनको आप ये जल्दी से फॉरवर्ड कर दीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।